मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 190 साल पुराना प्राचीन स्वामी नारायण मंदिर है, जहां गुजरात, राजस्थान और बुरहानपुर के सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र से भी श्रद्धालु भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए आते हैं। इसके साथ ही राजकोट के बोहरा समाज के अब्दुल्ला परिवार कई वर्षों से लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहां पर भगवान स्वामी नारायण ने ताप्ती नदी के किनारे पूजा अर्चना की थी, इसके बाद वो यहीं पर बस गए। इसके बाद से श्रद्धालुओं ने बुरहानपुर के सीलमपुरा में मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के बगल में ही बहनों का मंदिर भी स्थित है, जहां पर सिर्फ महिलाएं ही गर्भगृह में प्रवेश कर पूजा अर्चना कर सकती हैं। ऐसा माना जा रहा है मध्य प्रदेश में ये पहला बहनों का मंदिर है। वहीं पुरुषोत्तम मास में स्वामी नारायण मंदिर की विशेषता अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से बोहरा समाज के अब्दुल्ला भाई का परिवार यहां पर पहुंच रहा है। इसके साथ ही अब्दुल्ला भाई का परिवार भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन कर विशेष पूजा और आरती में शामिल होता है। राजकोट से यहां पर आए बोहरा समाज के भाई अब्दुल्ला ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से पूरे परिवार के साथ स्वामी नारायण मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वो हिंदू धर्म के सारे नियमों का ही पालन करते हैं। उनकी भगवान लक्ष्मी नारायण पर अपार श्रद्धा है। यहां आने से उनकी कई मनोकामनाएं भी पूर्ण हुई हैं। 20 बरस हुआ। अच्छा, सरकार का सत्संग दिया नित्य स्वरूप स्वामी। अच्छा, दो आचार्य महाराज थे ना, चुना आचार्य महाराज थे उसके टाइम में। अच्छा, मैं सरदार में वो ऐसे ही गया था, मतलब जयपुर उदयपुर नो पत्थर यहाँ अत्यार मंदिर बनतू थू सरदार का। तो वो जो पत्थर था ना वो जयपुर का था, वो मैं आश्चर्य ना, मुझे मालूम नहीं है ये मंदिर है, लेकिन वो पत्थर देखने के लिए गया तो नित्य स्वरूप स्वामी और केवलीय स्वामी दोनों मिल गए। अच्छा, और कब? 20 वर्ष पहले। 20 वर्ष। अच्छा, तब से तुम्हारी श्रद्धा जुड़ गई। अच्छा, और बुरहानपुर में कैसे क्या आना होता है? नहीं, वो कथा में आते हैं ना, बुरहानपुर कथा में ताप्ती नदी। अच्छा, ऐसा बाबा के मंदिर तो इनका तो भगवान स्वामी नारायण के भी आप जो है नियमों को पालते हैं? हाँ, नहीं, हम जो बाबा के मंदिर बुलाए। अच्छा अच्छा, दरगाह में आते हो तो यहाँ भी आते हो? अब्दुल्ला भाई यहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजन अर्चन करते हैं, महाआरती में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे संतों के भी दर्शन किए, उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दिया, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद अब्दुल्ला भाई की इस एकता की मिसाल पेश करने वाली तस्वीर की खूब चर्चाएं हो रही हैं।